चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 22 के रिजल्ट में और भी देरी हो सकती है, तो इस विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्यों इसमें देरी हो सकती है, ये कब तक आ सकता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में वो भी चर्चा करेंगे जिसके कारण पिछले साल यूजी और पीजी की काउंसलिंग काफी दिनों तक होल्ड रही थी, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसकी हियरिंग 27 जुलाई 22 को थी, तो उस हियरिंग में क्या हुआ उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आयुष, वेटनरी सबके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने वो पूरी जानकारी दी है जो आप काउंसलिंग के बारे में लेना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज, इसमें राउंड वाइज और कॉलेज वाइज कट ऑफ दी गई है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, सर्विस बॉन्ड के बारे में, टॉप से लोवेस्ट के क्रम में आपने 22 में कैसे च्वाइस फिल करनी है उसके बारे में भी मैंने इसमें जानकारी दे दी है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मैं आपसे संपर्क कर लूंगा, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, अपने डाउट्स भी, जो भी आपका डाउट है वो दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नीट 22 का रिजल्ट कैसे लेट हो सकता है। तो नीट 22 के रिजल्ट लेट होने का एक कारण यह है कि जो अभी गंगानगर जो सेंटर था उसके कुछ बच्चों का री एग्जाम होना था, तो उनके बारे में अभी एनटीए ने कोई अपने वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस नहीं डाला है कि उनका एग्जाम कब होगा। तो अभी उनके एग्जाम में कम से कम 7 या 8 दिन पहले तो उनको बताना पड़ेगा एनटीए को कि उनका एग्जाम डेट क्या है। तो हो सकता है इसमें ये एग्जाम डेट 10 अगस्त के नियर बाई हो, तो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद में ये री एग्जाम होने के बाद में आंसर की आएगी, आंसर की चैलेंज होगी और उसके बाद में फाइनल आंसर की आएगी और तब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है, अभी इसमें समय लग सकता है। दूसरा, जो मैटर अभी ईडब्ल्यूएस का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसकी हियरिंग 27 जुलाई 22 को थी और वो हियरिंग पोस्टपोन्ड होकर अभी जो हियरिंग होनी है वो 2 अगस्त 22 को होगी। तो इसमें तो काउंसलिंग में देरी होने का इस बार नहीं माना जा रहा है कि इसकी वजह से काउंसलिंग में देरी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से पीजी की काफी लेट हो गई है काउंसलिंग। पीजी में अभी डिले हो चुका है काउंसलिंग में, अभी वो 1 सितंबर को स्टार्ट होगी, तो जब पीजी की शुरू हो जाएगी तो यूजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो तो मैटर ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं यूजी की काउंसलिंग पर, लेकिन रिजल्ट में थोड़ी देरी हो सकती है। तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि कब आएगा इसका रिजल्ट, आंसर की कब आएगी और उसकी हियरिंग में क्या हुआ, 27 को जो हियरिंग थी उसमें क्या हुआ। तो ये 2 अगस्त 22 को तक पोस्टपोन कर दी है, अभी नेक्स्ट हियरिंग 2 अगस्त को होगी। तो जैसे ही इसका रिजल्ट निकलेगा या फिर री एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गंगानगर सेंटर के कैंडिडेट का जो री एग्जाम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।